दुर्ग लोकसभा चुनाव में शहर की जनता के बीच न्याय घोषणा पत्र पहुंचाने बनी रणनीति, साथ ही आगामी चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी राजन साहू को जीत दिलाने एनएसयूआई के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को दिलाया गया संकल्प। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बुधवार को एनएसयूआई की बैठक दुर्ग राजीव भवन में सम्पन्न हुई। इसे मुख्य रूप से दुर्ग लोकसभा प्रत्याशी राजेन साहू, दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल, सभापति राजेश यादव, सोनू साहू समेत शहर के वरिष्ठ नेता शामिल रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संगठन के वरिष्ठ नेताओं द्वारा अपने संबोधन में न्याय घोषणा पत्र के बारे में जानकारियां दी गई। इसके बाद आम जनता के बीच इस पत्र का प्रचार प्रसार किए जाने के बाद चुनाव जीतने का संकल्प दिलाकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। आपको बता दें कि कांग्रेस के दुर्ग लोकसभा प्रत्याशी राजेंद्र साहू चुनाव में जीत हासिल करने लगातार अपना पसीना बहा रहे हैं। वे लगातार संगठनों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक लेकर लोकसभा चुनाव जीतने को लेकर उन्हें रिचार्ज कर रहे हैं। इस संबंध में राजेंद्र साहू ने मीडिया के बीच अपनी प्रतिक्रिया दी। कैसे कटाक्ष करेंगे? देखो, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। जब अंग्रेज थे और अंग्रेज आए थे तो उनका विरोध किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। उस समय हमारे लोगों ने बलिदान दिया, लड़ाई लड़ी और उस समय समाप्त नहीं हुई कांग्रेस। आज 138 साल से कांग्रेस खड़ी हुई है, लड़ते आ रही है और कांग्रेस जो बात करती है उसको करती है। दूसरा, कांग्रेस एक विचार है। कांग्रेस किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को, युवाओं को, दूरसंचार में रहने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति लोगों को ध्यान में रखकर अपनी योजनाएं बनाती है। उनको देखकर उनके हितों का ख्याल रखते हुए योजनाएं बनाती है। इसलिए कांग्रेस, और अभी भी 2 सीट है हमारे पास इस लोकसभा में, तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद हम नहीं जीते। लोकसभा जीते थे 2014 में और आज परिस्थिति बदली हुई है। सरकार बनने के बाद बीजेपी वालों ने बहुत सी योजनाएं बंद कर दी, जैसे भूमिहीन श्रमिक को जो 7,000 रुपया सालाना मिलता था वो बंद हो गया। हमारे बेरोजगार युवा साथियों को जो 2,500 रुपया बेरोजगारी भत्ता मिलता था वो बंद हो गया। 500 में सिलेंडर देंगे बोले थे वो नहीं दे रहे हैं। आपका गोबर खरीदी बंद हो गया। आपका 5 किलो राशन कर दिए, 35 किलो जो प्रति परिवार होना था अब वो घटा के 5 किलो प्रति व्यक्ति कर दिए हैं। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं और दुर्ग जिले में सबसे बड़ा मुद्दा दुर्ग लोकसभा में हमारा जो भिलाई इस्पात क्षेत्र है उसको निजीकरण करने का प्रयास जो भाजपा कर रही है उससे युवा भाजपा से खपा है, क्योंकि भिलाई का निजीकरण नहीं होना चाहिए। भिलाई वासी खपा है, दुर्ग जिले वासी खपा है, पूरा लोकसभा के लोग खपा है और हम जनता से वादा कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से कि हम भिलाई इस्पात क्षेत्र का निजीकरण नहीं होने देंगे। लगातार भाजपा डरी हुई है, सहमी हुई है और वो नाराबाज दे रही है। आप लोगों को रोजगार नहीं दे पाए, आप महंगाई कम नहीं कर पाए, आप बेरोजगारी कम नहीं कर पाए, आप किसानों को उसके हक या अधिकार नहीं दे पाए। किस मुंह से, किस अधिकार से बोल रहे हैं 400 पार? हम बोल रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और अच्छे से बनेगी। एक आखिरी सवाल है, अभी चल रही है और इसमें सभी हमारे NSY के साथियों से आगे की दिशा निर्देश कि कैसे हमको चुनाव में जाना है और हम लोग अभी तक जो कार्य किए हैं उसकी क्या स्थिति रही है और आगे हम जो करने जा रहे हैं उसमें क्या क्या करना है और हमारी जो योजना है आने वाले समय में सरकार बनेगी तो हम लोगों को क्या देंगे, युवाओं को और महिला बहनों को क्या देने जा रहे हैं, नारी न्याय के माध्यम से, युवा न्याय के माध्यम से, किसान न्याय के माध्यम से, श्रमिक न्याय के माध्यम से और अपना अधिकार न्याय के माध्यम से, उन योजनाओं को लेकर, उन घोषणा पत्र को लेकर जनता के बीच जाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ जनों का जो संदेश है वो जनता तक पहुंचे। दुर्ग कहीं कोई कार्यकर्ता नहीं गया है, जितने हमारे बूथ लेवल के, सेक्टर लेवल के, जोन लेवल के और ब्लॉक के और जिला के पदाधिकारी सब काम कर रहे हैं। महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, NSY सब काम कर रहे हैं और सब यही हैं। कल जहाँ जाओगे आप
वहाँ आपको कांग्रेस के कार्यकर्ता दिखेंगे। और आपको बताना चाहूँगा कि बूथ स्तर का कार्यकर्ता अपने गांव में रह के काम करते हैं, वो दूसरे जगह जाके काम नहीं करते। सेक्टर लेवल का काम कार्यकर्ता अपने पदाधिकारी अपने स्तर पे काम करता है, वो दूसरे जगह नहीं जाता, क्योंकि वो अपने गांव में ही काम करने में उसको आनंद आता है। इसलिए सभी जगह हमारे बूथ लेवल के सेक्टर लेवल के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, जो हजारों की संख्या में। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।